हम सब लोग दिल्ली से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम करना चाहते हैं। केंद्र में बैठी हुई शासन क्या चाहती है कि ट्रांसजेंडर लोग के हित के कार्य जो हो रहे हैं वो रोक दिए जाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने हमारे लिए बस में फ्री सुविधा दी है और इस तरीके के बहुत सारे और काम जो है होने हैं जिसकी हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ में। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की इतनी बेईमानी के साथ में बिल्कुल गलत तरीके से उनको आपने जेल में रख दिया है, बिल्कुल बेबुनियादी है, गैर संवैधानिक है। हम इस चीज को बिल्कुल बहिष्कार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे दिल्ली के मुखिया हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी को आप रिहा करें ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ साथ हाशिए पे टिके हर वर्ग की बात को सुना जा सके। अरविंद केजरीवाल को हमने चुनके दिल्ली में स्थापित किया था और वो हमारे चुने हुए नेता है। ये जो भी कुछ कार्य हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, इलॉजिकल है और चुनाव से बिल्कुल पहले जब ये होता है तो ये सोची समझी षड्यंत्र है ताकि विपक्ष या जो आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है वो अपना प्रतिनिधित्व भी ना कर पाए। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान में है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव। ये चुनाव का पर्व अपनी गरिमा को खो रहा है। जबकि आपके पास मजबूत विपक्ष नहीं है तो सरकार से उसकी जिम्मेदारियों का जवाब कौन मांगेगा? शासन में बैठे हुए सरकार को भी जनता नहीं चुना है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को भी समझिए। आप इस तरीके से किसी को जेल में डाल के उसकी कैंपेन को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सारा ट्रांसजेंडर समुदाय इकट्ठा हुआ है और अपील करता है केंद्र सरकार से कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जल्द से जल्द रिहा करें ताकि चुनाव अपनी गरिमा में आए। आपको भी लोगों ने चुना है, अरविंद केजरीवाल भी लोगों के पसंदीदा नेता है, होने पाए कि चुनाव अपनी गरिमा के साथ में काम करे। विपक्ष भी हो, सत्ता पक्ष भी हो, सब लोग एक साथ आगे बढ़े, कैंपेन करे और फिर देखिए कि कौन लोगों के दिलों में बसा हुआ है। दिल्ली की आवाज तो अरविंद केजरीवाल जी ही है। देखिए, इस समय हम लोग आम आदमी पार्टी के ट्रांसजेंडर विंग के साथ, ट्रांसजेंडर तबके के साथ चौराहे पे खड़े हैं दिल्ली गेट के पास, जेल का जवाब वोट कैंपेन के तहत। देश और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की साजिशों को समझ चुके हैं। संविधान को बदलने की साजिश हो, चाहे आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो, हर एक साजिश के साथ भाजपा बेनकाब हो चुकी है और पिछले दो चरणों के चुनाव से संदेश साफ है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। पूरे देश ने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी और तानाशाही फैलाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया और देश के लोग, दिल्ली के लोग भाजपा की इस गुंडागर्दी और तानाशाही के साथ के खिलाफ खड़े होकर, एकजुट होकर भाजपा की जो जेल भेजने की राजनीति है उसका जवाब वोट से देंगे, जेल का जवाब वोट से देंगे। आज केजरीवाल को जेल में मिलने जाना था लेकिन मंजूर नहीं किया गया, किस तरह से? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने डर को और बड़ा कर रही है, स्पष्ट कर रही है। वो निष्ठा की और अमानवीयता की सारी हदें पार कर चुकी है। उनके परिवार को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है, धर्मपत्नी जी को नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये बेहद दुखद है। और दिल्ली और देश के लोग भाजपा की ऐसी घिनौनी हरकत को भी देख रहे हैं। वो इन तमाम तानाशाहियों और गुंडागर्दियों का जवाब एकजुट होकर वोट से देने वाले हैं। उनको पता है कि उनके आशीर्वाद और वोट की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल से बाहर आएंगे। जो विपक्ष को खत्म करके चुनाव जीतने की साजिश कर रही है भाजपा, वो नाकाम होगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है, तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है, ये भी साफ हो चुका है। देश के लोग भाजपा की जेल भेजने की राजनीति का जवाब वोट से देंगे। आज नोटिफाई हो गया है, चुनाव नामांकन शुरू हो चुके हैं, एक तरह से औपचारिक घोषणा हो चुकी है, किस तरह से आश्वस्त है इंडिया अलायंस? पिछले दो चरणों के चुनाव ने पूरे देश में ये संदेश स्पष्ट कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर जाना तय हो गया और ऐसा सिर्फ उनकी गुंडागर्दी और तानाशाही की वजह से हुआ। देश के लोग भाजपा की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। वो भाजपा की गुंडागर्दी और तानाशाही का जवाब वोट से देंगे, जेल का जवाब वोट से देंगे। दिल्ली में लगता है कि सुखद नतीजे रह सकते हैं आपके? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा अत्याचार तो दिल्ली के लोगों पर ही किया है। दिल्ली के लोगों ने देखा है कैसे आम आदमी पार्टी के बेगुनाह बेकसूर नेताओं मंत्रियों को भाजपा ने अपने अहंकार की वजह से जेल की सलाखों के पीछे भेजा है और दिल्ली के लोग बिल्कुल एकजुट होकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। उनकी अमानवीय हरकतों को देख रहे हैं, उनकी गुंडागर्दी को देख रहे हैं और वो उनकी इस राजनीति का, जेल की राजनीति का जवाब वोट से देंगे। दिल्ली के पहले ऐसे सीएम है केजरीवाल जी जिन्होंने
ऐसे समाज को आगे बढ़ाए जिस समाज को शायद आने वाले, मैं नहीं कहते किसी का नाम मैं लूंगी तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, और भी चीजें निकल जाएंगी, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ही परेशान हूँ दिल से कि एक सच्चे अच्छे व्यक्ति को, हमारे सीएम को, हमारे राज्य के जो मैं कहती हूँ मेरी दिल्ली के राजा को, उन्होंने बंद करा है, केंद्र सरकार ने जो जेल में डाला है वो बिल्कुल नापसंद है, मेरा ही नहीं मेरे किन्नर समाज का, चाहे वो महिला हो, मर्द हो या फिर किन्नर समाज हो, हम सभी बहिष्कार करते हैं केंद्र सरकार का, जिन्होंने बेबुनियादी इंजाम लगाकर केजरीवाल जी को जेल में डाला है। परेशानियां आप सुने तो कितनी सारी परेशानियां थी, अगर मैं बताऊं, एजुकेशन की परेशानियां नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था, स्किल डेवलपमेंट नहीं था, हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। केजरीवाल जी ने सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि छत्तीसगढ़ में और सभी यूपी बिहार कहाँ का राज्य में ट्रांसजेंडर विंग बन चुका है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जिसे हम कहते हैं, लेकिन अब तक हमारे दिल्ली का जो मतलब कहते हैं ना, जो हमारे राजधानी है, हमारा दिल्ली प्रदेश, उसके अंदर आज तक ट्रांसजेंडर विंग नहीं बन पाया। लेकिन उसकी शुरुआत किसने करी? हमारे सीएम केजरीवाल जी ने। क्यों? आज से पहले क्या हम ट्रांसजेंडर नहीं थे? कई सौ सालों से मेरी ट्रांसजेंडर समुदाय आगे चल रही है हर चीज में। हम 2.5 से 3 लाख ट्रांसजेंडर हैं जो पूरे दिल्ली शहर में है। हमारे पास जनगणना के हिसाब से वोटर लिस्ट में 1500 से 2000 लोग हैं जो ट्रांसजेंडर आईडी पर हैं। बाकी लोगों की और ट्रांसजेंडर है लेकिन उनकी आइडेंटिटी मेल या फीमेल से बनी हुई है, जो कि केजरीवाल जी ने शुरू करी कि हम सबकी आइडेंटिटी पे काम करेंगे, स्किल पर काम करेंगे। जैसे कि आपको पता, हाल ही में अभी एक महिला के लिए बस में बहुत टाइम से टिकट फ्री है, तीर्थ यात्रा फ्री है, लेकिन उन्होंने किन्नर समाज को नहीं भूला, उन्होंने किन्नर समाज के लिए भी बस के अंदर टिकट फ्री करवाया। और भी काफी पॉलिसी है वो करवाते, हमने उम्मीद करा साथ में काम करने के लिए, हम बैठे, उन्होंने ट्रांसजेंडर विंग बनाया, उसमें मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया, मेरे साथ में और भी लोग हैं जो कि 7 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए दिल्ली शहर के अंदर से। लेकिन आगे का काम करने से पहले ही केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया। मेरी यही अपील है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो इतने पिछड़े टाइम से, इतने पहले टाइम से उनको अब तक कुछ नहीं मिल पाया, आज उन्हें उनका हक मिला, उनका सम्मान मिला, उनके लिए कुछ करा जा रहा है, तो आप ऐसे सीएम को बंद ना करें। ऐसे सीएम जो एक हर समुदाय को, गरीब अमीर, जो कहते हैं ना कि अपने काम के ऊपर वोट मांगते हैं, ऐसे सीएम को बंद ना करें। मैं दिल से आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के, मेरा पूरा किन्नर समाज, कि आप केजरीवाल जी को, केंद्र सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द बाहर करवाए, कि जो हमारे इलेक्शन आ रहा है वो अपनी गरिमा में रहे और केजरीवाल भी अपने इलेक्शन के लिए वही काम कर पाए जो एक नॉर्मल सारे नेता और सारी पार्टियां कर रही है। एक हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहली बार ट्रांसजेंडर और किन्नर समाज के लिए सोचा था, उन्होंने हमें बस फ्री करा हमारे समुदाय के लिए। इतने बहने, हमारे भाई इतने खुश हुए थे कि अब हमें एक सम्मान पूर्वक हम बस में यात्रा कर पाएंगे। एक मुफ्त जो बस की स्कीम निकली थी, हम इतना सेलिब्रेट कर ही रहे थे, उतने में हमारे सीएम साहब को एकदम ये अच्छा नहीं हुआ, उनको जेल में डाला गया। लेकिन हम इस साल जो चुनाव आ रहे लोकसभा की, उसमें हम जो ये जेल का वो है, वो हम वोट से उनको जवाब देंगे इस बार। और मैं लगाए तो मेरी बहुत सारे चेले हैं, मेरी बच्चियाँ हैं जो दिल्ली के पहली बार हम वोटर्स हैं, हम वोट करेंगे। और इतना बहुत प्रतिशत भी मैं न्यूज़ में देखती हूँ गिरते जा रही है, लोग हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन हम आए हैं। तो मैं सबसे अपील करती हूँ देशवासियों से, अपना राइट्स यूज करिए, अच्छा सरकार चुनिए, अच्छा व्यक्ति चुनिए जो हमारे समस्या को आगे ले चले।